मैंने तो अपना भाई खो दिया, और वो भी रक्षाबंधन के दिन, तो वो आप अच्छा, समझ तुम सकते तुम हैं। रक्षा बांध लेना, लेकिन फोन करते रहे लेकिन कोई काम नहीं आया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ गुरुजी। शहीद निशांत मलिक की बहन व उनके पिता की आंखों से बरसे आंसू। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व आज के ही दिन रक्षाबंधन के त्योहार पर 3 बहनों का एक लौता भाई निशांत मलिक शहीद हो गया था। उसकी आज दूसरी पुण्यतिथि पर स्मारक स्थल गांव ढंडेरी में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हरियाणा पोलखोल न्यूज से बातचीत के दौरान शहीद निशांत मलिक की बहन व उनके पिता ने क्या कहा। पावन चरणों में 1 मिनट का ध्यान और करेंगे जब संपन्न है। संस्कार कितना अच्छा देश हमें दिया है, समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। औषध अमोघ सारी हो योग क्षेम सारी स्वाधीनता। हमारे साथ शहीद निशांत मलिक की बहन जुड़ चुकी है नीरज, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। शहीद निशांत मलिक की याद किया जा रहा है, पूरे लोग पहुंचे हुए हैं। सर मैं सबसे पहले तो इन सब का आभार व्यक्त करती हूं कि हमारे बुलाने पर ये सब यहां पर उपस्थित हुए, तो इसके लिए मैं इन सब का नमस्कार हूं। और जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनको भी मैं नमस्कार करती हूं कि आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इससे शहीद निशांत मलिक को पूरा देश को गर्व है। सर गर्व पूरे देश को है, सबको गर्व है, लेकिन अब मैंने तो अपना भाई खो दिया, और वो भी रक्षाबंधन के दिन, तो वो आप समझ सकते हैं। तो रक्षाबंधन था उस दिन, 3 बहनों का एक ही भाई था। हाँ जी सर, 3 बहनों का एक भाई था, और सबसे छोटा था, सबसे लाडला भी था। मात्र 21 साल की उम्र में उस शहीद हो गया अपनी देश की सेवा करते करते। उसने अपने परिवार से पहले अपने देश को आगे रखा, तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आंखों से आंसू देखे जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। आपके आंखों से आंसू भरे हैं, लेकिन शहीद निशांत मलिक को पूरा देश गर्व करता है। ललित जी आपके चैनल के माध्यम से सबको मेरी राम राम, और आप लोगों को भी सबको। और आज देश के लिए वो इतना ही हमारे पास भेजा था कि देश के लिए पढ़ भी ले और देश के लिए काम आए, वो देश के लिए काम आया। आप पर भी गोलियां लगी थी। मैं भी कारगिल से घायल हूँ 99 से। ये भी कारगिल से घायल है। मैं आप आर्मी में था जब, तो वो पैदा भी नहीं हुआ था जब मैं कारगिल में घायल हुआ था। वो पैदा भी 2001 में 17 अप्रैल 2001 को वो पैदा हुआ, और 31 मई 2002 में मैं पेंशन आया हूँ। तो उसके बाद उसने ये ठानी थी कि मैं आर्मी में जाऊँगा, तो मैं बोला वहाँ बेटा MBBS कर ले। मेडिकल साइड से उसने +2 की थी काली देवी स्कूल से, जिसमें 87% नंबर थे उसके। लेकिन MBBS उन्होंने बोला पापा एक ट्राई मार लेता हूँ फिर देखेंगे, हिमाचल मार ले। वो फर्स्ट ट्राई में ही सिलेक्शन हो गया उसका, और ट्रेनिंग निकाल ली। फिर ये कोरोना का दौर आ गया, उसके अंदर न वो घर आ पाया, एक बार आया फिर दोबारा, फिर कोरोना के बाद में फिर आया था वो। वहाँ 18 जुलाई को वो छुट्टी काट के गया, और जब बहनों ने रक्षाबंधन का धागा उनको दिया था कि भाई वीडियो कॉल कर लेना और रक्षा बांध लेना, लेकिन फोन करते रहे लेकिन कोई काम नहीं आया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ गुरुजी। इस समय हम गांव ढंडेरी के अंदर हैं, हांसी विधानसभा क्षेत्र का गांव है। और आपको बता दें कि शहीद निशांत मलिक जो देश की रक्षा करते हुए आज के दिन शहीद हुआ था, आपको बता दें कि उस दिन रक्षाबंधन था और 3 बहनों का एक भाई था जो आज इस दुनिया में नहीं है, देश की रक्षा करते हुए बलिदान हुआ। आज उनको याद किया जा रहा है, उनकी याद में पूरे हास्य के जो समाज सेवी है, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता है, चाहे वो अधिकारी के, वो पहुंचे हुए हैं आज बातचीत करेंगे। मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार लल्ली जी। मलिक साहब आज शहीद निशांत मलिक को याद किया जा रहा है। हाँ जी, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे 70 जवानों की हिफाजत करते हुए, 2 उग्रवादियों को ढेर करते हुए
अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, देश के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया था। हमारा पूरा हरियाणा, पूरा भारतवर्ष आज के दिन शहीद निशांत मलिक को नमन करता है और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया और ऐसे वीर सपूत ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए दो दो आतंकवादियों को मौत के हवाले करते हुए करीब करीब अपने 70 सिपाहियों की रक्षा करते हुए देश के लिए कुर्बान हो गया। और ये बलिदानी के ऊपर पूरे भारतवर्ष को फख्र है। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि निशांत मलिक, शहीद निशांत मलिक देश की रक्षा करते हुए वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर गया और उसका शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इनकी बता दें आपको, पूरा गांव के लोग भी है, शहर के लोग भी है, आज उनकी याद किया जा रहा है। और बात शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे शहीद होने वालों का यही एक बाकी निशान होगा। हम इन शहीदों को नमन करते हैं और इनसे प्रेरणा लेकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी देश के लिए समर्पित करेंगे। इसकी आत्मा शांति दे, माले बोल वो करे। तो पूरे लोग याद कर रहे हैं शहीद निशांत मलिक को, तीन बहनों का एक भाई था। देखिए ललित भाई, आज हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है क्योंकि हमारे शहीद निशांत भाई की स्मारक के उनकी याद में आज हमने वन रखा यहाँ पे गांव में। तो हमारे लिए गर्व की बात तो है ही कि हमारा भाई देश के लिए जिसने शहादत दी, देश के लिए सीमा पे लड़ा। हाँ थोड़ा दुख होता है कि हमारी बहनों का अकेला भाई था, वो चला गया, लेकिन एक देश के लिए किसी भाई ने शहादत दी है तो उन बहनों को भी, उन मेरे ताऊ जी को भी या मेरे ग्रामवासियों को, समस्त ग्रामवासियों को बड़ा गर्व महसूस होता है कि उन्होंने गांव का और पूरे देश में जो नाम रोशन किया है कि हम देश के प्रति लड़ते हुए उन्होंने जान दी। तो आज उनकी स्मारक की, उनके याद में आज एक हवन का कार्यक्रम रखा गया था। तो भाई को याद कर रहे हैं, हम हमेशा करते रहेंगे भाई को याद। शहीद निशांत मलिक के चरणों में सत सत नमन करता हूँ कि उन्होंने एक युवा होते हुए अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को लिए बलि शहीद हो गए, बलिदान कर दिया। ऐसे युवा को भारत देश सदैव सदैव के लिए याद रखेगा।